राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में चार गांवों में रहने वाले करीब 500 परिवार साफ पानी पीने के लिए जूझ रहे हैं। इनमें 89 जीबी गांव भी शामिल हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो पानी के टैंकरों की राह देखनी पड़ती है या फिर मीलों पैदल चलकर पानी लाना पड़ता है। हमारे गांव में पानी नहीं है, थोड़े दिन से पानी आता है, कभी नहर बंद हो जाती है, कभी नहर आती है तो थोड़े दिन तो पानी में पानी कैसे करते हैं? पानी हम घरों में जिन्हें जिनके जमीन है वो बना रखी है डिग्गी है, वो बेचारे पानी देते हैं हमें, फिर हम नहर से लेके आते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, टैंकर लेते हैं। हमारे यहाँ पानी की समस्या तो काफी बहुत पुरानी है कि ना तो पानी यहाँ हमारे पहुंचा है, आज तक ही नहीं पेयजल हमारे सुविधा हुई है। एक डिग्गी है, डिग्गी से पूरे गांव में कम से कम 150 घर है, 150 घर से एक डिग्गी से ही पेयजल जा रहा है। हम मटकों से लाना पड़ता है, किसी घर में अगर कोई टैंकी बना रखी है तो वो वाट माल ने भी टैंकर से मंगवा के पानी घर में पूर्ति कर रहे हैं। गांव की 4 घंटे पानी है हमारे, वो हम डिग्गियों में डालते हैं, उसमें कितना पानी हमें एक महीना चले जाए, 15 दिन चले जाए, 10 दिन चले, उसके बाद मेरे जो मेरे भाई बहन है जो मेरे सब है वो अपने टैंकरों से कोई 1000 रुपया कोई 500 रुपये से लेके आते हैं। 500 का पानी लेके आएंगे या आपके बच्चों को पढ़ाएंगे या आपके घर में कोई राशन लेके आएंगे। कई गांव वालों का कहना है कि पानी की कमी की वजह से वो जमीन के नीचे मौजूद गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। उनके मुताबिक इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। पानी की समस्या से जैसे साहब मेरी 30 साल उम्र हो गई है, मैंने तो जब से सुरत संभाली हम पानी की व्यवस्था ऐसी देख रहे हैं साहब। हम तो क्या है कि पहले गांव में हेडपंप होते थे, बेचारे सरपंच ने रिपेयर करवा दी, वो कुछ हेडपंप नए लगवा दिए, उससे पानी भरते के नीचे का पानी हमारे कुछ ज़्यादा बढ़िया है नहीं है पीने लगे। उसमें क्या है कि जैसे क्या है लेडीज़ की जैसे हड्डियाँ हमारे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, और बात यह कि डेंगू और मलेरिया हमारे घरों में आम मिलेगा, जैसे आपके घरों में संदूक में पैसे मिलते हैं ना, वैसे हमारे घरों में डेंगू मलेरिया आम होता है। 89 जीबी गांव में रहने वाले गुरबख्श सिंह का दावा है कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के मकसद से उन्होंने 3 साल पहले प्रशासन को अपनी जमीन दान की थी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट पर काम तो शुरू किया गया था लेकिन कुछ ही महीनों के बाद बंद कर दिया गया। पानी की भारी किल्लत को देखते हुए मैंने अप्रैल 2022 में जो है जरिए गिफ्ट डीड भूमि जो है PHD डिपार्टमेंट को सौंप दी थी। सौंपने के बाद उन्होंने 5वें महीने में मई में काम शुरू किया था। आज 3 सालों से काम अधूरा है। आप इसके तहत जो वाटर स्टोरेज टैंक बनाए आप इसको देख सकते हैं, जगह जगह दरारें आ गई और फर्श भी नहीं अभी लगा और अधूरा पड़ा है। अधिकारी मानते हैं कि लंबे वक्त से रुके वाटर स्टोरेज फैसिलिटी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना अभी बाकी है। सर, 89 जीबी के अंदर वाटर वर्क्स जो बन रहा है, काफी टाइम से वो काम रुका हुआ था, क्या रीजन क्या रहा उसका? काफी टाइम से इसका कार्य बंद था, ठेकेदार है वो चले गए, अब हमने उसको वापस बुलाया है और वापस से काम शुरू करा दिया, बीच में पेमेंट नहीं मिलने की वजह से वो चले गए। 89 जीबी में फर्म द्वारा कार्य चालू किया गया था जब इनका वर्क ऑर्डर हुआ था, लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से 1 साल से इन्होंने कार्य बंद कर रखा था, जो मेरे अभी 3 माह पूरा ज्वाइन करने के बाद लगातार फर्म को निर्देशित करने पर कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया है और फर्म द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया है कि हम 3 माह में कार्य पूर्ण करें। गांव वालों का कहना है कि फिलहाल चिलचिलाती गर्मी में उन्हें दूर दूर से पानी लाना पड़ेगा और गंदा पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास गांव में सही स्टोरेज फैसिलिटी बनने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है।